अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर। टुडे टॉपिक इज अडेप्टेशन ऑफ बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग में किस टाइप से अडप्ट करते हैं एनिमल्स, अब हम वो पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग। जितने अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी कवरिंग भी डिफरेंट होती है, अलग होती है। एंड एनिमल्स बॉडी कवरिंग हेल्प इट टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। जिस टाइप की उनकी बॉडी कवरिंग होती है वो उसी तरीके की अपने जो सुटेबल जगह होती है वहाँ पर प्लेस होता है, वहीं पर रहते हैं। स्केल्स, बॉडीज ऑफ स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड आर कवर्ड विद स्केल्स। स्नेक्स की, क्रोकोडाइल की एंड लिजर्ड की बॉडी क्या होती है, स्केल से कवर्ड होती है। आपने देखा होगा स्केल्स टाइप होते हैं, अभी हमने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था स्नेक्स पर किस टाइप के स्केल्स होते हैं। दीज हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वाटर को निकालने में। फिश आर कवर्ड विद दी ओवरलैपिंग स्केल दैट आर वाटर प्रूफ। फिश जो होते हैं उनके भी बॉडी पे काफ़ी सारे स्केल्स होते हैं, एक ऊपर एक स्केल चले होते हैं जो कि क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। शेल्स, द बॉडी ऑफ स्नेल एंड टर्टोइज आर कवर्ड विद अ हार्ड शेल दैट प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि स्नेल एंड टर्टोइज, आपने देखा भी होगा इनकी बॉडी पर काफ़ी शेल टाइप होता है जो बहुत हार्ड होता है। वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो बॉडी पार्ट होता है, जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट होता है, उसको हार्ड शेल जो है प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है। इट इज़ अ कॉमन साइट टू सी अ स्नेल विद ड्रॉइंग इट्स फीट एंड हेड इन टू इट्स शेल व्हेन इन डेंजर। जब वो डेंजर में होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी जो शेल होती है उसके अंदर अपने पूरा पार्ट, अपना फीट, हेड सब कवर कर लेता है, उसके अंदर कर लेता है, जिससे वो सेव हो जाता है। फीदर्स, द बॉडीज ऑफ द बर्ड आर कवर्ड विद द फीदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स की बॉडी पर क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं जो कि उनको उड़ने में मदद करते हैं, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। फीदर्स ऑल्सो हेल्प टू कीप देम वार्म। और फीदर की हेल्प से ही क्या कहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो गर्म रह पाती हैं। हेयर एंड फर, द बॉडीज ऑफ द मैमल्स लाइक डॉग, कैट, गॉट, शिप आर कवर्ड विद द हेयर और फर। जो बॉडीज़ होती है मैमल्स की, जैसे कि डॉग, कैट एंड गॉट की, इनकी बॉडीज़ पर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। द फर कीप देम वार्म, फर की हेल्प से क्या होता है, ये गर्म रहते हैं। द थिक फर ऑफ अ पोलर बियर और एन आर्कटिक फॉक्स प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे कि आर्कटिक रीजन में जो पोलर बियर एंड फॉक्स पाए जाते हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इन्हीं फर की हेल्प से, जो थिक फर्स होती हैं उसकी हेल्प से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। स्पाइंस, स्पाइंस आर हार्ड, थॉर्नी और नेड लाइक स्ट्रक्चर। एनिमल्स सच एज पॉर्क्यूपाइंस एंड सी अर्चिन्स ग्रो स्पाइंस फॉर सेल्फ डिफेंस। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि सी अर्चिन्स, इनकी बॉडी पर थॉर्नी नोकीले जो होते हैं और नेडल लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसको स्पाइंस कहा जाता है, कांटे की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि इनको सेल्फ डिफेंस मीन्स अपने आप को बचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैमोफ्लैग। सम एनिमल्स लाइक चैमेलियन कैन चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि चैमेलियन है, उसके अंदर क्या होता है, एक फीचर्स होता है अपनी बॉडी का कलर चेंज करने का। जिस टाइप की वो सराउंडिंग में, जिस जगह पर है, वो उसी टाइप के कलर अपने बॉडी का कर लेती है। इट मेक द एनिमल्स हार्ड टू स्पॉट एंड हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं एनिमीज से, अपने आप की प्रोटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो दिखते ही नहीं जब सेम कलर के हो जाते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कैमो फ्लैग। यही फिनोमेनन मींस यही चीज़ कहलाती है कैमो फ्लैग। बोथ प्रेडेटर्स एंड प्रे हैव कॉमनली एबिलिटीज़। जो भी प्रेडेटर होते हैं या प्रे होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है अपना कलर चेंज करने की।